नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जिस तरीके से का पिछले दिनों की बात की जाए तो हालात जो है कश्मीर में बिगड़े हुए थे और आज सुबह से ही अगर बात की जाती है जहां पुंछ के थना मंडी में लगातार एनकाउंटर चल रहा था, अब उसके बाद ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि त्राल में भी जो है यानी तिलवानी मोहल्ला में जो है एनकाउंटर स्टार्ट हो गया है और पुलिस ने जो है पूरा एरिया पूरे तरीके से कॉर्डन कर दिया है और वहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज है पूरे तरीके से छानबीन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि स्टार्टिंग में ही यानी शुरुआती में जहाँ सस्पेक्टेड स्पॉट्स पर जो है पुलिस पहुँची और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज आर्मी की बात की जाती है जहाँ पर आतंकियों का ठिकाना था, त्राल में जो ये है एनकाउंटर चल रहा है और जिस तरीके से उस आतंकी ठिकाने पर जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पहुँचती है आतंकियों को जो है पता लगता है और इसमें जो है फायरिंग जो है लगातार चल रही थी जिसमें एक आतंकी जो है मार गिराया है और एक बड़ी कामयाबी भी है क्योंकि लगातार 2 से 3 आतंकी होने की आशंका जो है जताई जा रही है और एनकाउंटर फिलहाल अभी भी जारी है और दोनों तरफ से गन फाइट जो है चल रही है। लेकिन इसी में इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग में ही एक आतंकी जो है फाइटिंग में मारा गया है और ढेर कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुंछ में भी सुबह एनकाउंटर चल रहा था और अभी जिस तरीके से त्राल में एनकाउंटर चल रहा है क्योंकि आतंकियों की ये आशंका जताई जा रही है कि 3 आतंकी जो है वहाँ पर हो सकते हैं और जिसमें से फिलहाल अभी एक को जो है मार गिराया है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है पिछले 48 घंटों में ये जो छठा आतंकी है मार गिराने की खबर सबसे बड़ी कामयाबी जहाँ जम्मू कश्मीर और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिलती है सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात जो है बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे और इसमें आतंकी संगठन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है दहशत का माहौल एक बार फिर फैलाते हुए नज़र आ रहे थे, जहां पर सिविलियन की किलिंग्स की बात की जाए तो लगातार सिविलियंस को जो है अपना निशाना बनाया जा रहा था। अब इसमें ये देखने को मिल रहा है कि आज जहां पर तिलवानी की बात की जाती है यानी त्राल एरिया की, वहां पर जो है ये लगातार एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। एरिया को पूरे तरीके से कॉर्डन किया गया है क्योंकि कॉर्डन की अगर बात की जाती है जब सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पर आतंकी होने की आशंका है और वहां पर आतंकी ठिकाने पर कुछ आतंकी हैं, जो पूरे एरिया को है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है कॉर्डन किया गया और कॉर्डन में जब आतंकी वहां से जो है भागने में नाकामयाब रहे, बदले में जो है गन फाइट उन दोनों में सिक्योरिटी फोर्सेज और साथ ही साथ आतंकियों के बीच देखी गई। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इसमें यह देखी गई कि शुरुआती दौर में ही जो है एक आतंकी इसमें ढेर हुआ है और त्राल में लगातार एनकाउंटर चल रहा है। अभी नाम जो है ये नहीं बताया जा सकता, पूरे तरीके से आइडेंटिटी जो है अभी रिवील नहीं की गई है उस आतंकी की, लेकिन एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। पूरे तरीके से वहां पर एरिया को बंद किया गया है कॉर्डन और उसके बाद जो है तलाशी अभियान भी किया जाएगा कि पूरे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज जहां उनको इन्फॉर्मेशन मिली है जिस तरीके से अलर्ट पूरे तरीके से एरिया को कॉर्डन करके इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई भी ऐसी जो वारदात है ना देखने को मिले और जितने भी आतंकी हैं उनको पूरे तरीके से पकड़ा जाए और जो एक आतंकी ढेर हुआ है कहीं ना कहीं कामयाबी बड़ी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ लगी है जहां पर आतंकी ठिकाने को जाकर आतंकियों को जो है मार गिराया है और फिलहाल गन फाइट लगातार जारी है। वहां पर एनकाउंटर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है लगातार चल रहा है और त्राल एरिया यानी तिलवानी में लगातार जो एनकाउंटर है वो शुरू हो चुका है और एक आतंकी जो है बड़ी खबर ये निकलकर सामने आती है कि मार गिरा दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।